कैसे हो मेरे भाई? हमेशा की तरह आप मस्ती होंगे आई होप। तो मेरे भाई वॉश को मेरे चैनल के लिए काफी लकी है मेरे भाई, क्योंकि इसकी वजह से मुझे काफी ढेर सारा प्यार मिला तो है नहीं हो आपकी गया वजह है से। भाई? अगर मैंने पहले वीडियो देखा होगा उस पर आप लाखों में व्यूज उसके प्लस गए हुए हैं, तो उस वीडियो को वॉच करना है तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी ये वीडियो काफी कमाल का होने वाला है। वॉश को ऐप की मदद से कुछ जस्ट इस तरीके का इफेक्ट अपने फोटो में बैकग्राउंड में कैसे ला सकते हो, तो इस तरीके का मैं रिटच करना सिखाऊंगा एकदम प्रॉपरली। तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना, ताकि वो भी वॉच को ऐप की मदद से कुछ इस तरीके का कलर टोन इफेक्ट ला सके। इस तरीके का कलर टोन इफेक्ट लाने के लिए आपको थोड़ा सा वीडियो फुल वॉच करना पड़ेगा, कैसे लाना है और क्या क्या मैं इस पर ऐप का यूज करूंगा वो सारा कुछ आपको देखना पड़ेगा डिटेल में। और मेरे भाई चैनल को नया पाएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरीके से मैं वॉच को ऐप और काफी फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल के बारे में लाता रहता हूँ और सिखाता रहता हूँ। अगर आपको सीखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मेरे भाई अगर कुछ पूछना चाहते हो और आपके मन की बात हो, आपको यहाँ पर समझ नहीं आ रहा हो, तो आ जाओ इंस्टाग्राम का यूजर नेम आपको ऊपर दिख रहा है, फॉलो भी कर लेना। और कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो वहां पर, और वहां पर मैं एक्टिव रहता हूँ। चलिए आज के हमारे वीडियो को स्टार्ट कर। सबसे पहले हम क्या करेंगे मेरा भाई, सिंपल वाला फोटो को आपको सेलेक्ट कर लेना है, शेयर वाला आइकन पर आपको क्लिक कर लेना है, और इससे आपको क्या कर लेना है, डायरेक्ट आपको वॉट्सको ऐप पर इस फोटो को शेयर कर लेना है। तो जैसे कि मैं इस फोटो को शेयर कर लूँगा तो ये वॉट्सको ऐप का आपको लोगो सामने आएगा, देन इंपोर्ट होगा। थोड़ा सा आपको वेट कर लेना, वेट करने के बाद आपके सामने फोटो यहाँ पर दिखने लग जाएगा और आपको दो डॉट पर ये दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर और लेना है। आपको सेकंड वाले टूल पर क्लिक कर लेना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्सपोजर को आपको बढ़ा लेना है +1.5, कॉन्ट्रास्ट को मेरे भाई क्या कर लेना है आपको इस तरीके से आपको कम कर लेना है -0.6। देन इसके बाद आपको सेचुरेशन पर क्लिक कर लेना है, सेचुरेशन को आपको बढ़ा लेना है 2.3 प्लस, और आपको आ जाना है आगे की ओर। आगे की ओर आ जाने के बाद आपको वो भाई HSL पर आपको क्लिक कर लेना है, और फर्स्ट वाला आपको फेस के लिए मिल जाएगा। तो फेस को हम थोड़ा सा ऐसे इस तरीके से आप रिटच कर सकते हो, आपके हिसाब से आप सेटिंग कर लेना, क्योंकि मेरा भाई फोटो में ब्लैक टोन आपका फोटो कैसा है आप भी जानते हो। तो यहाँ थोड़ा सा मुझे वाइट दिख रहा है, तो मैं इसे थोड़ा सा हल्का सा गोरा करूँगा, तो ये सेटिंग देख सकते हो और आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। देन गोरा हम थोड़ा सा वाइट हो चुका है हमारा फेस, तो देन इसके बाद हम क्या करेंगे, हम येलो वाले टोन पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा हम इसे +38 करेंगे, और सेकेंड वाले को +36, और लास्ट वाले को हम कर लेंगे इसे, सेकंड वाले को हम क्या करेंगे -1.0, और लास्ट वाले को 0.6 माइनस, और ग्रीन वाले पर आ जाना है। ग्रीन वाले को आपको क्या कर लेना है, इस तरीके से आ जाना है, आपको माइनस की वो ले जाना है -1.8 कर लेना है। देन इसके बाद आपको क्या कर लेना है, सेकंड वाले को +37 प्लस कर लेना है, और आपको क्या कर लेना है इसे -1.5 कर लेना है। जैसे आप थोड़ा सा वो फर्स्ट वाले को आप इस तरीके से माइनस ले जाना सकते हो, तो वो थोड़ा सा आपका येलो टोन आ जाएगा। देन इसके बाद आपको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद देख लीजिए इस तरीके का थोड़ा सा रिटच हो चुका है बिफोर एंड आफ्टर। इतना हो जाने बाद आपको क्या लेना है, सेव वाला आइकन पर आपको क्लिक कर लेना है, तो आपकी गैलरी में क्या करेगा, सेव हो जाएगा। इस तरीके का आपका टोन इफेक्ट आ जाने के बाद आपको शेयर वाला आइकन पर आपको क्लिक कर लेना है, और सीधे ही आपको 3D लूट ऐप दिख रहा है ना, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद मेरे भाई क्या कर लेना है, आपको नेट को ऑन रखना है, तभी आपके वर्क करेगा, वरना वर्क करने वाला नहीं है मेरे भाई, क्योंकि नेट इसको ज़रूरत पड़ती है। तो नेट को ऑन कर लेना है, लूट वाला आइकन पर आपको क्लिक कर लेना है। लूट वाला आइकन पर आप क्लिक करोगे ना, तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, थोड़ा सा आपके सर्च करेगा, थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। वेट करने के बाद आपको इस तरीके से काफ़ी फिल्टर आएंगे, तो टॉप 25 पर आपको चले जाना है, और ये भी थोड़ा सा लोडिंग होगा, तो आपको इसके लिए भी थोड़ा सा वेट कर लेना कुछ सेकंड के लिए। देन आपको सामने इस तरीके से फिल्टर ओपन होंगे, तब देखो तो काफ़ी फिल्टर ओपन हो चुके हैं। तो आपको क्या करना है, किसी फिल्टर पर आपको क्लिक नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको स्वाइप करते जाना है। स्वाइप करने के बाद आपको क्या करना है, आपको सामने दिखेगा ये F9160, तो इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो आफ्टर एंड बिफोर, तो काफ़ी गजब का आपका फोटो का बैकग्राउंड इस तरीके का हो जाएगा, और आप देख सकते हो ऑरेंज टोन इफेक्ट आ चुका है, फायर टोन एकदम। तो कैसा लगा आपको, आई होप आपको यार ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अपने दोस्तों में शेयर कर लेना, और सेव ऊपर क्लिक करोगे ना राइट वाला आइकन पर, तो आपके गैलरी में सेव टू गैलरी में आपको गैलरी में सेव कर लेना है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।